आज हम बनाएंगे मैक्रोनी पास्ता। उसके लिए मैंने पानी रख दिया है और गैस को जला लेते हैं और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल। पानी को खोल जाने देंगे पहले, उसके बाद हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे। इसको लगा देते हैं ढक्कन। पानी हमारा हो गया है, इसका ढक्कन हटाएंगे और अब डालेंगे हम इसमें मैक्रोनी। मैक्रोनी मैंने दो कटोरी ली है, एक और दो। इसको हम 2 मिनट खुले में ही पकाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। 2 मिनट हो गए हैं, मैक्रोनी हमारी हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं और छान लेंगे पानी को इसके, और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। अब हम बनाएंगे मैक्रोनी का मसाला। उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन, उसको हल्का सा भून लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है ये, और आँच को रखेंगे मीडियम। अब डालेंगे इसमें प्याज, एक बड़ा प्याज है ये, इसको भी भून लेंगे। हल्का सा ही भूनना है हमें ये। प्याज हमारा हल्का हल्का पिंक हो गया है। इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच टमेटो सॉस और इसको चला लेंगे अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, आधा गिलास के करीब। इसको चला लेंगे। इसको फुल में कर देती हूँ मैं। और डालेंगे दूध, दूध भी आधा गिलास के करीब ही डालेंगे इसमें। इसको पक जाने देते हैं। इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच है, और 1 चम्मच डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे चीनी, 1.5 चम्मच डालेंगे ऑरेगानो। इसको चला लेंगे। 1 छोटी चम्मच डालेंगे नमक और इसको चला लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे बटर। इसमें 200 ग्राम के करीब डालेंगे क्रीम। अब हम डाल देंगे इसमें मैक्रोनी। मैक्रोनी हमारी तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें ऊपर से डालेंगे हरा प्याज, जी। अगर रेसिपी मेरी पसंद आई है मैक्रोनी की, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।